तो कुछ लोग जो समझदार हैं, मैं उनके लिए कुछ बात कहना चाहता हूं कि हम लोग ये कहते तो हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है, कुरान की खातिर वो हमको काटते हैं, कुरान में ऐसा लिखा है कि इनकी स्त्रियों को लूट लो, कुरान में लिखा है कि काफिर को काट दो, ये सब कुरान में लिखा है, ये उन्होंने वहां से सीखा इसलिए वो ऐसा करते हैं, उनकी मस्जिदों में यही सिखाया जाता है। लेकिन तुम कभी अपनी आंखों से अपने आप को भी देखोगे क्या? अपने कैमरे अंदर की ओर घुमाओ और तुम अपने आप को देखो कि उन्होंने तो आतंकवाद सीखा है, उन्होंने तो लोगों को काटना मारना सीखा है इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन तुमने अपने धर्म से क्या सीखा है? तुमने अपने धर्म से कटना सीखा है क्या? तुमने मरना सीखा है क्या? तुमने अपने धर्म ग्रंथ कभी उठा के भी देखे हैं क्या? कुरान में क्या लिखा है उसकी जांच तो तुम कर रहे हो, कर लो, अच्छी बात है, जान लो, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुम्हारे धर्म ग्रंथ तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम कैसे जीवन जियो उसके लिए कुछ कहते हैं, उसके लिए भी तुमने कभी कुछ पढ़ा लिखा है क्या? यदि 25 करोड़ के झुंड से 90 करोड़ लोगों का झुंड डरता है, तो 90 करोड़ के झुंड को चाहिए कि वो 25 करोड़ लोगों के झुंड की किताबों में ताक झांक न करके अपनी किताबों में ताक झांक करें कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। जब एक व्यक्ति 10 को मार रहा है तो 10 को देखना चाहिए कि हम कितने कायर हो चुके हैं। छोटी सी बात हुई नहीं कि मिमियाने लगते हो, कोई भी बात हुई नहीं मिमियाने लगते हो, हाय मर गए, हाय तौबा, ये हो गया, पता नहीं अब कहां जाएंगे, और पलायन करते हैं, भागते फिरते हैं, अभी भी कश्मीर से फिर भाग रहे थे, कहां तक भागोगे? यही सिखाया है तुम्हारे सनातन धर्म ने, मजहब ने तो सिखा दिया उसने धर्म के नाम पर लूटना, लेकिन तुम्हारे धर्म ने क्या तुम्हें कोने कुचारे में घुसना सिखाया है क्या? तुम नारे तो लगाते हो गर्व से, कहो हम हिंदू हैं, किस बात का गर्व है? क्या तुम्हें इस बात का गर्व है कि तुम हर बात पर डर जाते हो और अपने कोने में घुस जाते हो, अपनी जान बचाते हो, कभी किसी पर अटैक नहीं करते हो अपनी जान बचाने के लिए? इस बात पर गर्व है? कोई भी तुम्हारी बहन बेटियों को मारता है, काटता है, लफ्ज याद कर रहा है, उठा के ले जाता है और तुम कुछ नहीं कहते हो? ये सिखाया तुम्हारे सनातन धर्म ने? अपनी पुस्तकें उठा करके देखो तुम्हारे ग्रंथ तुम्हें क्या सिखाते हैं। मोहम्मद ने उनको जो सिखाया वो सिखा दिया, लेकिन राम तुम्हें क्या सिखा के गए वो तुमने नहीं सीखा, कृष्ण तुम्हें क्या सिखा के गए तुमने नहीं सीखा, कायरता का चोला ओढ़ करके बैठे हुए 90 करोड़ लोग 25 करोड़ लोगों से डर रहे हैं, हद है। और अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं, अपने आप को सनातनी भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, कम अधार्मिक लोगों से अधिक धार्मिक लोग डर रहे हैं। इस बात का सीधा सा अभिप्राय है कि जो अपने आप को धार्मिक और हिंदू कह रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, वो भी अधार्मिक है। गलत को सहना अधर्म का लक्षण है, धर्म का नहीं है। तुम स्वयं अधार्मिक हो तो लड़ाई तो अधार्मिक और अधार्मिकों के बीच में चल रही है, धर्म अधर्म की लड़ाई नहीं है, तुम खुद अधार्मिक हो। लाल कपड़े में अपने ग्रंथों को बांध करके अगरबत्ती तो उस पर लगाते रहते हो, आरतियां गाते रहते हो, लेकिन कभी उनको खोल के नहीं देखते हो कि राम तुम्हारे लिए क्या उपदेश देते हैं।